अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 20 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज के फर्स्ट न्यूज़ है फोर्थ एनर्जी ट्रांजिशंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग। फोर्थ एडिशन हुआ है एनर्जी ट्रांजिशंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग का, कहाँ पे? गोवा में। किसके अंडर? अंडर G20 प्रेसिडेंसी। सो इंडिया के पास है प्रेसिडेंटशिप G20 की, इसलिए सारी मीटिंग्स इंडिया में हो रही हैं, एनर्जी की हो, टूरिज्म की हो, कल्चर की हो, जो मर्जी हो, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट आता है द चैम्पियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड। ये अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर एमी बेरा को दिया गया है। कौन है ये? एन इंडियन अमेरिकन फिजिशियन टर्न पॉलिटिशियन। अब ये पॉलिटिशियन यानी कि ये जो पॉलिटिक्स हैं इसमें भी एंटर कर चुके हैं, तो इन्हें दिया गया है डॉक्टर एम ए बेरा द चैम्पियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड। ठीक है जी, क्यों दिया गया है? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेकिंग हाई क्वालिटी केयर अफोर्डेबल एंड असेसिबल इन द यूएस। यूएसए में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको अफोर्डेबल बनाना, अफोर्डेबल समझते हैं कम रेट पे लोगों को प्रोवाइड करवाना, असेसिबल बनाना, हर एक इंसान तक पहुंचे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, तो वो इन्होंने उस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट आता है इंडिया एंड यूएई साइंस एमओयू प्लानिंग टू एस्टेब्लिश आईआईटी दिल्ली कैंपस इन अबूधाबी। सो दो कंट्रीज हैं हमारे पास, इंडिया एंड यूएई। इन दोनों ने ये कहते हैं ना, एक एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग हम पढ़ते हैं, तो ये साइन किया है जिसके अंडर ये प्लान कर रहे हैं कि जो आईआईटी दिल्ली है ऐसा ही एक कैंपस अबूधाबी में भी बनाया जाएगा। ठीक है जी, फोर्थ पॉइंट आता है ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट विल बी होस्टेड बाय एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट हो रही है। कहाँ पे होगी? इंडिया में होगी। फूड ओ कुपोया। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेफ्टी एंड क्वालिटी रेगुलेशंस फॉर ईच फूड कैटेगरी। हर एक फूड कैटेगरी में क्या क्वालिटी रेगुलेशंस है जो हमें लेने की जरूरत है, बस उसके बारे में ये होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है कॉमिक कॉन इंडिया। कॉमिक कॉन इंडिया ये चेन्नई में हो रहा है पहली बार, तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है। फर्स्ट एडिशन आपने कॉमिक कॉन का नहीं मानना है, ये समझना है कि चेन्नई में सबसे पहले, चेन्नई का पहला एडिशन है ये। ठीक है, और इंडिया में और जगह हो चुका है, मुंबई में हो चुका है, न्यू दिल्ली में हो चुका है, हैदराबाद में हो चुका है, बेंगलुरु में हो चुका है, तो ये जो कॉमिक कॉन इंडिया है इसका जो है चेन्नई में एक एडिशन हो रहा है जो कि चेन्नई का पहला है। ठीक है, इट विल शोकेस अ रेंज ऑफ इंटरनेशनल एंड इंडियन कॉमिक क्रिएटर्स। जो कॉमिक स्टार्स होते हैं ना, तो उनके उनके जैसे कपड़े पहन के थोड़ा एक्ट करेंगे वहां पे, तो वैसा जैसा यह एक शोकेस होगा। ठीक है जी, सिक्स्थ पॉइंट हमारा आता है यूएस हैंड्स ओवर 105 एंटिक्विटीज, एंटिक पीस आप बोल सकते हैं। ठीक है, एंटिक पीस टू इंडिया। तो हमने पढ़ा था ना कि इंडिया जो है वर्ल्ड में जो भी एंटिक पीस जैसे होते हैं ना, वो कुछ लुटेरे होते हैं इधर से बाहर के कंट्रीज में ले जाके बेच देते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंडिया की जो है अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में ये फैली हुई हैं, तो वहाँ से वापस लाया जा रहा है। इवन पैसे देने पड़ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ के लिए। कुछ कंट्रीज ने पैसे नहीं लिए, बट सभी तो ऐसे नहीं करते ना, सबको पैसा तो ज़रूरी है, इकोनॉमी ग्रो करवानी है। पढ़ा है ना हमने फिस्कल पॉलिसी, कितनी ज़रूरत होती है सरकार को, पब्लिक डेब्ट के अंडर जो है पैसा लेना पड़ता है ना। चलिए इसी के साथ बता दूं कि हम इकोनॉमिक्स में हमने मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी रिसेंटली पढ़ के कंप्लीट किया है, तो अगर आपको नहीं पता, इकोनॉमिक्स में शुरू से अभी तक पढ़ा रही हूँ एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, कुछ बचा भी है तो वो हम टाइम के साथ करते रहेंगे। ठीक है जी, अब सेवन पॉइंट हमारा आता है यूएस लार्जेस्ट रेप्टाइल सेंचुरी वॉन्ट्स टू इम्पोर्ट घरियाल्स फ्रॉम इंडिया। रेप्टाइल क्या होते हैं? जो रेंगने वाले जीव होते हैं। ठीक है, रेंग रेंग के चलते हैं, जैसे छिपकली है रेंग रेंग के चलती है, सांप है रेंग रेंग के चलता है, मगरमच्छ है रेंग रेंग के चलता है ना, तो बस वैसी बात हम कर रहे हैं। नाउ यूएसए की जो सबसे बड़ी रेप्टाइल सेंचुरी है जो कि कहाँ पे है, एरिजोना में है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो इंडिया से 6 घड़ियाल इम्पोर्ट करेंगे एंड दैट वुड हेल्प प्रिजर्व दीज एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये एंडेंजर्ड हैं, इनको बचा के रखने में हेल्प होगी। ठीक है जी, अब देखिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और देखिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं चैनल का लिंक, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का एट्थ पॉइंट है 2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई है। यहाँ पे दो बार मैंने 2023 लिखा है, बस आपने इतना याद रखना है कि इस साल की जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, बट नई चीज़ ये है कि सुफा चलसाई एक नेशनल स्टेडियम है वहाँ पे हुई है एग्जैक्टली। इंडिया ने टोटल 27 मेडल्स इसमें जीते हैं, थर्ड रैंक इंडिया का रहा है, जिसमें से 27 में से 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया लेकर आया है।
ठीक है जी। नाइन्थ पॉइंट आता है फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि बिम्स्टेक के जो भी मेंबर्स हैं उनके हर एक कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है बैंकॉक थाईलैंड में। सो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी बैंकॉक में हुई है और ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बिम्स्टेक की ये भी बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। इसको इंडिया की तरफ से अटेंड किया है इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे एस जयशंकर ने। ठीक है जी। नाउ बिम्स्टेक के बारे में हम पढ़ रहे थे, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। इसकी फॉर्मेशन 1997 में हुई थी विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, कौन कौन से हैं बिम्स्टेक के मेंबर्स? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। तो इनके जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन सबकी मीटिंग हुई है थाईलैंड में। ठीक है जी। टेंथ पॉइंट आता है कि रिसेंटली एक इंडेक्स रिलीज किया गया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडेक्स का नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और प्रोग्रेस रिव्यू 2023। अब ये जो पूरा इंडेक्स है रिलीज किया गया है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? नीति आयोग के द्वारा। हियर नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले प्लानिंग कमीशन था, बाद में उसका नाम चेंज करके नीति आयोग हो गया। प्लानिंग कमीशन ही जो है वो फाइव ईयर प्लान्स लेकर आता था, ठीक है, लेकिन फिर 2017 से आने ही बंद हो गए। नाउ अब क्या है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? नेशनल लेवल पे यानी राष्ट्रीय स्तर पे जो गरीबी है उसको अलग अलग डायमेंशन से स्टडी करके ये रिपोर्ट लाई गई है। इसके हिसाब से 13.5 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा लिखिएगा, मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2015-16 एंड 2019-21। 2015-16 से 2019-21 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में 13.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है जी। इसमें अलग अलग तरह के पैरामीटर्स कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज कितनी अवेलेबल है, एजुकेशन कितनी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का क्या है। फाइन, चलिए इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट पॉइंट की ओर। सो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, राइट। चलिए 11th पॉइंट हमारा है द न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ द पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है ना, तो वहां पे एक नया जो है एयरपोर्ट है उसका इनॉग्रेशन विल बी नहीं होगा यहाँ पे, अब तो इनॉग्रेट हो गया होगा, 20 तारीख के ही करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, है ना। सो आज इनॉग्रेशन था इसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फाइन, चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।